Hello students, myself Dr. Rashna Purohit. Last video में हमने craniata का classification देखा था pieces तक. अब इस video में आज हम next super class tetrapoda के बारे में study करेंगे. Second super class है tetrapoda. Tetrapoda के animals जो होते हैं land vertebrate, इनके अंदर पेंटाडेक्टाइल लिम्स के दो पेयर्स पाए जाते हैं. स्किन कॉर्निफाइड होती है, लंग्स प्रेजेंट होते हैं. फोर क्लासेस इसमें पाई जाती हैं, आप सभी जानते होंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स. अब हम एक एक क्लास की स्टडी करेंगे. फर्स्ट है फर्स्ट है इसके अंदर एम्फीबिया. हाँ, एम्फीबियन एनिमल्स जो हैं, कार्बोनिफेरस पीरियड जो है वो एम्फीबियंस का गोल्डन एज था. एम्फीबिया के अंदर जो एनिमल्स इंक्लूड होते हैं वो दोनों जगहों पर आराम से रह सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर और लैंड पर, दोनों जगह ये इजीली रह सकते हैं. ये फर्स्ट कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर से बाहर आए हैं, बट दीज आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड परमानेंटली. लेकिन ये लैंड पर परमानेंटली नहीं रह सकते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए ये वाटर पर डिपेंड करते हैं. इनके एग्स जो होते हैं उन पर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं पाई जाती है, इसीलिए इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाना पड़ता है. एक्विटिक लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं, लार्वा में गिल्स पाए जाते हैं. इनके एडल्ट्स जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं. एडल्ट्स के अंदर ब्रीथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स डेवलप हो जाते हैं. स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है. इनके अंदर हर्ट जो है वो थ्री चैम्बर्ड होता है. ये एनिमल्स जो हैं हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के प्रोसेस में जाते हैं, जिससे कि ये एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट से बच सकते हैं. हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, देखो दो अलग अलग टर्म्स हैं. हाइबरनेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम जब कोल्ड होता है तब ये सुप्तावस्था में या हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और एस्टिवेशन का मतलब होता है जब एक्सट्रीम हॉट या गर्मी होती है तब ये एस्टिवेशन में चले जाते हैं. अधिकांश एनिमल्स जो होते हैं इनमें दो पेयर लिम्स के पाए जाते हैं. फोर लिम्स जो होती हैं उनमें फोर फिंगर्स पाई जाती हैं, जबकि हाइंड लिम्स के अंदर फाइव फिंगर्स पाई जाते हैं. रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स, स्किन, लंग्स या बक्कोफेरेंजियल कैविटी के द्वारा होता है. एम्फीबियंस जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड और पाइकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं. आरबीसीज जो हैं इनकी बाइकॉन्वेक्स, ओवल और न्यूक्लिएटेड होती हैं. क्रेनियल नर्व्स जो हैं इनमें 10 पेयर्स पाई जाती हैं. किडनीज मेसोनेफ्रिक या ओपिस्थोनेफ्रिक होती हैं. अधिकांशतः यूरियोटेलिक होते हैं, लेकिन टेल्ड एम्फीबियंस और लार्वा जो होते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं. अमोनोटेलिक मतलब अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिक मतलब एक्सक्रीशन में यूरिया का एक्सक्रीट आउट करते हैं. फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होता है, वाटर में होता है, लेकिन कुछ एक एनिमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होता है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट का मतलब है इनमें लार्वल स्टेज पाई जाती है. फ्रॉग के लार्वा को हम टैडपोल लार्वा कहते हैं, और सेलामेंडर का लार्वा जो होता है वो एक्सोलोटर लार्वा होता है. इस क्लास को फिर से तीन ऑर्डर्स में डिवाइड किया जाता है, एपोडा, यूरोडेला और एन्यूरा. इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. नेक्स्ट स्लाइड है हमारी रेप्टाइल्स की. नेक्स्ट जो क्लास है वो है रेप्टाइल्स. इसके नाम से ही ये क्लियर होता है कि इनमें लोकोमोशन के लिए क्रीपिंग या क्रॉलिंग मैकेनिज्म पाया जाता है. रैप्टम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल. मेंबर्स जो होते हैं वो क्रॉलिंग करके चलते हैं. टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनमें ड्राई स्किन पाई जाती है. हॉर्नी स्केल्स होते हैं. हर्ट में इनकम्प्लीट फोर चैम्बर्ड पाए जाते हैं. कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा होता है. मीज़ोज़ोइक एरा को रेप्टाइल्स का गोल्डन एज कहते हैं. रेप्टाइल्स के अध्ययन को हर्पिटोलॉजी कहते हैं. ये कोल्ड ब्लडेड या पाइकिलोथर्मल एनिमल्स होते हैं.
रेप्टाइल्स जो हैं फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे, लेकिन कुछ एक जो हैं उनमें एक्वेटिक हैबिटेट भी पाई जाती है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है। हर्ट सामान्यतः 3 चैम्बर्ड होता है इनके अंदर, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर पहली बार 4 चैम्बर्ड हर्ट हुआ था। किडनीज मेटानेफ्रिक होती हैं एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए। ये एनिमल्स जो होते हैं वो यूरिक कोटैलिक होते हैं, मतलब यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करते हैं फॉर वाटर कंजर्वेशन। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अधिकांशतः ओविपेरस होते हैं। एग्स जो होते हैं वो लैदरी और क्लीडोइक एग्स होते हैं, मतलब इनके एग्स कैल्शियम कार्बोनेट के शेल के द्वारा गिरे हुए रहते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, दैट मीन्स लार्वल स्टेज जो है वो एब्सेंट होती है। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो 12 जोड़ी उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्लास है एवीज। एवीज जो हैं फ्लाइंग वर्टिब्रेट्स हैं, कवर्ड विथ फैदर्स। फोर लिम्ब्स जो होती हैं इनकी विंग्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं। इनकी चोंच में या बीच में टीथ नहीं होती हैं, इसीलिए हॉर्नी बीक पाई जाती है। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं। इस क्लास में सभी प्रकार के बर्ड्स को इंक्लूड किया जाता है। बर्ड्स के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली जो थे वो ग्रेट ऑर्निथोलॉजिस्ट थे इंडिया के, जिन्हें हम बर्डमैन ऑफ इंडिया नाम से जानते हैं। बर्ड्स को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, फेदर्ड बाइपेड्स और ग्लोरिफाइड रेप्टाइल्स। बर्ड्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं और होम्योथर्मिक होते हैं, दैट मीन्स बॉडी टेम्परेचर रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट। स्किन जो होती है वो ड्राई और विदाउट ग्लैंड्स होती है, बट ऑयल ग्लैंड्स और प्रीन ग्लैंड्स टेल पर उपस्थित होती हैं। दीज ग्लैंड्स सिक्रीट ऑयल विच लुब्रिकेट फैदर्स। फैदर्स को लुब्रिकेट करने के लिए ये ऑयल सिक्रीट करती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं, जो कि क्रॉप और गिजर्ड कहते हैं। 3 चैम्बर्ड क्लोएका बर्ड्स में प्रेजेंट होता है। इनके जबड़े या जॉज जो होते हैं वो हॉर्नी बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि टीथलेस होती है। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, इसीलिए उसमें डबल सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। स्कल जो होता है वो मोनोकॉन्डाइलिक होता है। किडनीज मेटानेफ्रिक होती हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी होती हैं। बर्ड्स जो होते हैं वो मोनोडेल्फिक होते हैं, दैट मीन्स ओनली लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट ओविडक्ट इज फंक्शनल इन फीमेल्स। बर्ड्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दैट मीन्स बाहर से ही आइडेंटिफाई हो जाता है क्लियर कि कौन मेल है कौन फीमेल है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, दैट मीन्स लार्वा स्टेज एब्सेंट होती है। सभी बर्ड्स जो होते हैं वो नेस्ट या घोंसला बनाते हैं, इसीलिए इनमें पेरेंटल क्लियर केयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट वी विल स्टडी अबाउट मैमल्स। मैमल्स जो होते हैं उनमें बॉडी जो होती है वो हेयर्स के द्वारा कवर्ड रहती है। ग्लैंडुलर स्किन होती है। फीमेल्स के अंदर मैमरी ग्लैंड पाई जाती है। हर्ट 4 चैम्बर होता है। सीनोजोइक एरा जो है वो मैमल्स का गोल्डन एरा है। मैमल्स की स्टडी को मैमोलॉजी कहते हैं। मैमल्स जो हैं वार्म ब्लडेड और होम्योथर्मिक होते हैं। बॉडी जो है हेड नेक ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड होती है। मैमल्स की स्किन जो होती है वो यूनिक होती है, जिसमें कि हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कंप्लीट होती है। रेस्पिरेशन एक जोड़ी लंग्स के द्वारा होता है। लैरिंग्स या साउंड ऑर्गन जो है वो नेक रीजन में उपस्थित होता है। हार्ट 4 चैम्बर्ड है, इसीलिए इसमें डबल सर्कुलेशन उपस्थित होता है। आरबीसीज स्मॉल सर्कुलर और इन्यूक्लिएटेड होती हैं। मैच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है। मेटानेफ्रिक किडनीज उपस्थित होती हैं। मैमल्स जो हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 जोड़ी होती हैं। मैमल्स यूनिसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब्स में होता है।
एम्ब्रियो मदर के यूट्रस से प्लेसेंटा के द्वारा हायर मैमल्स में अटैच रहता है, इसीलिए इन एनिमल्स को हम प्लेसेंटल एनिमल्स भी कहते हैं। अधिकांशतः मैमल्स जो हैं वो विविपैरस होते हैं, दैट मीन्स वो यंग वंस या बच्चे को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ एक एनिमल्स या मैमल्स जो होते हैं वो ओविपैरस भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोटोथेलियंस। मैमल्स में पेरेंटल केयर बहुत अच्छी तरह से पाई जाती है। मदर जो होती है वो बच्चे को फीड करती है मिल्क, जो कि मैमरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट होता है। यहीं तक देखते हैं हम, थैंक यू। यहाँ तक आपको क्लासिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।